व्हाट कैन बी द रीजन ऑफ बैक स्कल पेन ऑसिपिटलेरिया? बैक स्कल पेन की काफ़ी टाइप्स हैं, जिसमें अगर यंग पेशेंट है यानी कि इवन 20, 30, 40s का भी है, तो इसमें आजकल जो हमें इस एरिया में दर्द होती है, आप कह लेंगे कानों से पीछे, गर्दन के ऊपर, या वो कभी कभार दर्द हमारे इस एरिया में भी आ रही होती है, ये ट्रिगर पॉइंट्स की मूवमेंट पेन होती है। ठीक है, हमारा मोबाइल यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से हम गर्दन को झुका कर बैठते हैं, हमारा ये सारा एरिया स्ट्रेस में आ जाता है, अमूमन इन जगहों पर टाइटनेस भी डेवलप हो जाती है। अब मसल्स की टाइटनेस की वजह से हमारी दर्द ऊपर रेडिएट करती है, कभी सर की तरफ, कभी कान की तरफ, कभी आँख की तरफ, कभी चेस्ट की तरफ, कभी अपर बैक की तरफ, कभी थोड़ा सा पेट की तरफ। तो इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपको इन मसल्स को देखना पड़ेगा, अगर ये मसल्स टाइट हैं तो इनकी फिर थेरेपी भी आप करवा सकते हैं। अब मैंने पोस्चर का तरीका बताया था कि पोस्चर आपने किस तरह रखना है, कि अपने गर्दन जो सर है उसको आपने इस तरह रखना है कि आपके कंधों के ऊपर, आपके कान कंधों पर आए, तो इस चीज़ का ख्याल रखें आप। और अगर बहुत ही ज़्यादा दर्द है आपको इस एरिया में, तो उसको चेक करवा लें एज ए फिजियोथेरेपिस्ट। ये तो हमारे पास रोज़ाना मरीज आते हैं, तो हम असेसमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यहाँ जो मसला है वो किस तरह तरीके का मसला है। कभी एक बार एक सेशन में पेशेंट बेहतर हो जाता है, उसको फिर हम फॉलोअप में एक्सरसाइज बता देते हैं कि आपका ये मसला था, इसको आपने फ्यूचर में इस तरह मैनेज करना है। तो ये अगर हमारे शोल्डर में ट्रिगर पॉइंट्स है, तो उसका पेन भी हमारे यहाँ तक जा सकता है। मसला आपके यहाँ होगा, दर्द आपको यहाँ हो रही होगी, मसला आपके यहाँ होगा, दर्द आपको बाजू में आ रही होगी, मसला आपको पीछे इस जगह होगा, दर्द आपको चेस्ट की तरफ आ रही होगी। तो ये ट्रिगर पॉइंट्स की पेन का पैटर्न होता है कि उसको फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है और इसको ट्रीट करना पड़ता है।